आवाज़ आएगी एक नंबर, क्योंकि आज हमने किया है GoPro का माइक सेटअप विद GoPro का माइक अडेप्टर के साथ, वो सेटअप किया है तो आज आवाज़ एक नंबर आएगी। मेरे मुंह के सामने माइक है आज, और रॉन्ग साइड काका अर्चुनर। और वैसे भी आज शुभ मुहूर्त पे अपना पहला वीडियो शूट हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराजांची जयंती है, तो अच्छा मुहूर्त है आज, बहुत अच्छा। यहाँ पे जब भी आओ तब भी आपको ट्रैफिक दिखेगा और ये रॉन्ग साइड वाले। अभी तक मैंने वाइजर नहीं बंद किया है, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा। जब भी वाइजर नीचे करेंगे ना तो आपको आवाज़ थोड़ी सी फिल्टर होके आएंगी, क्योंकि अभी बाहर का आवाज़ भी आ रहा होगा थोड़ा, और मेरा माइक है अंदर, सो दैट्स वाई ऐसा आवाज़ आ रहा होगा। यार थोड़ा सीधा रोड आने दो ना, मेरे को वाइजर बंद करना है, क्योंकि अभी बंद करूँगा तो मैं मर जाऊँगा गुदमड़ के। क्या बोल रहा हूँ वो मराठी में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं वो, मतलब वो अपना क्या होता है, हवा नहीं लगने से जो भी होगा वो वही होगा, और मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। आवाज़ आ जाना चाहिए, अच्छा आवाज़ आए तो अच्छी वीडियो आएगी और वो हम अपलोड कर पाएंगे। चलो अभी वाइज़र बंद करके देखते हैं। तो अभी जो आवाज़ आएगी वो वाइज़र बंद करने के बाद, मतलब अभी मैंने वाइज़र बंद किया है तो अभी देखो कैसे आवाज़ आती है। अभी मस्त है क्या आवाज़? क्रेटा, वो फॉर्च्यूनर एक नंबर, क्या धुराड़ा किया तूने। नई नवेली क्रेटा जा रही है, पन्नी भी नहीं निकली अब तक। कौन हार मार रहा है बे, क्या देख रहे हो दीदी, जाने दो। निखिल भाई ने आज GoPro ले लिया, आज नहीं मतलब कल ले लिया, अपने लेने के बाद 2 दिन बाद, अपने 17 को लिया हमने और उन्होंने आई थिंक नहीं 1 दिन बाद ही लिया होगा ना, आज वीडियो आई देखते, मतलब 1-2 दिन बाद ले लिया उन्होंने भी। राशिद भाई बोले थे निखिल भाई आने वाले, आ गए और ले भी लिया, उनका काम बहुत फास्ट होता है। मैं मास्क भूल के आया हूँ घर पे, लेकिन हेलमेट के अंदर कैसे मास्क पहनेंगे बे, पहन सकते हैं लेकिन घुटन होगी। हाँ अभी मेरे को वर्ड याद आ गया, घुटन, उसको घुटन बोलते हैं हिंदी में, हिंदी से ज़्यादा यूज टू नहीं है ना, इसलिए हिंदी के थोड़े वांदे हैं, सीख लेंगे धीरे धीरे। अभी यहाँ पे मेरे को वाइजर खोलना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये ठोक दिया। ये देखो ना इतना सा ही क्लच है, छोटू सा, तो इसके वजह से दिखाना पड़ेगा क्लच को क्या प्रॉब्लम है। उस दिन सर्विसिंग को दिया था मैंने वैसे, लेकिन क्या पता क्या कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। और लो भाई साहब इस तरीके से अपना पोपट हो गया है, जिस काम से आए हैं वो काम ही नहीं हुआ, वो बोल रहे थे कि 1 घंटा और लगेगा। कोई है? नहीं है, ओके थैंक यू, मैं जाऊँ, ओके थैंक यू। अरे साले अभी यहाँ से ना कोई तो आता होगा रॉन्ग साइड में, बोला ना रॉन्ग साइड से आएगा ये साला। हाँ पता है मेरे को, हाँ अपन को पता है, इधर का सब पता है अपन को। यहाँ पे रूल नहीं है भाई, रूल क्या होते हैं इन लोग को नहीं पता, ये नहीं जानते रूल भी। देखो एक नहीं, ये दूसरा तीसरा, अभी चौथा भी आ गया, ये देखो 4, 5, 6, 7, बहुत अच्छे। क्या आवाज़ आ रहा है गाड़ी का, सुपर बाइक की तरह। ये वैसे भी अपने लिए ये सुपर बाइक ही है भाई,
सुपर बाइक से कम नहीं है वो एक्सपल्स। जब भी एक्सपल्स दिखती है ना हमारी जलती है थोड़ी सी, क्योंकि वो हमारी फेवरेट है। जा तो थैंक यू। कितना बैटरी बचा है? और आज GoPro का बैटरी मस्त चल रहा है एकदम। अगर आप GoPro का बैटरी 100% पूरा चार्ज करके चलोगे ना तो ज़्यादा टिकता है, और अगर आपने 50% में उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना तो मतलब वो जल्दी ख़त्म होता है। पता नहीं ऐसा क्यों है लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे को भी उतना टाइम नहीं हुआ GoPro यूज़ करके, मैंने तो परसों ही लिया है। ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि कल मैंने यूज़ किया, 50% था तभी यूज़ किया, तो मतलब कुछ बहुत कम समय में बैटरी उसकी डाउन हो गई। तो आज मेरे को आधे घंटे से ऊपर हुआ, फिर भी अभी अच्छी खासी बैटरी बची है। कितनी बची है वो मेरे को दिख नहीं रहा, उसके लिए रोकना पड़ेगा, घर पे जाके देखते हैं ना।